नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। इसके तहत राहुल गांधी 150 दिन में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर तय करेंगे। आज उनकी इस यात्रा का छठवां दिन है और केरल में दूसरा दिन है। कांग्रेस रविवार को केरल पहुंची थी। राहुल गांधी ने आज सुबह अपनी यात्रा यहां के वेलियानी जंक्शन से शुरू की है। मालूम हो कि राहुल गांधी केरल के वायनाड जिले से सांसद भी हैं। आज न केवल उनकी इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, बल्कि सड़कों के किनारे सैकड़ों की तादाद में लोगों की अधिक भीड़ दिखाई दी। रविवार की अपनी यात्रा नेमोम में खत्म करते हुए राहुल ने कहा कि केरल सभी का सम्मान करता है और ये किसी को भी खुद को बांटने या नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता है और भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं विचारों का विस्तार है। राहुल ने कहा, केरल के लोगों के लिए एक साथ मिलकर काम करना और आपस में सद्भाव बनाए रखना ही स्वाभाविक है। देश के बाकी हिस्से ने केरल की ये बात देखी है। केरल में सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और केरल किसी को भी उन्हें आपस में बांटने या उनके बीच नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देगा। इस सोच के तहत भारत जोड़ो यात्रा केरल की इन्हीं भावनाओं का एक विस्तार है। केरल में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन परसल्ला से नेमोम तक की दूरी तय की गई थी। कांग्रेस की तरफ से जारी कार्यक्रम की सूची के मुताबिक सोमवार को सुबह करीब 11 बजे तक उनका पट्टम में ठहराव होगा और शाम 5 बजे काफिला कजाकुट्टुम पहुंचेगा और यहीं आज के लिए उनका सफर खत्म होगा। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस की टीम शनिवार शाम को केरल पहुंची। इसके तहत पार्टी 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 19 दिनों की अवधि में 7 जिलों का दौरा करेगी और इसके बाद 1 अक्टूबर को कर्नाटक में दस्तक देगी। गौरतलब है कि इस यात्रा के तहत यात्रा 150 दिनों की अवधि में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस दौरान तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान 22 बड़े शहरों में मेगा रैलियां होंगी।